ये समझना होगा कि उस दौरान और उससे पहले लोग क्या मानते थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो लोग ये माना करते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा स्पेस अक्वायर करके रखता है और इसी के चारों तरफ या इसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सो नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर यहां से चिपका हुआ रहता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है और चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है पहली बार जे जे थॉम्सन ने दिया था तो इसे थॉम्सन मॉडल भी कहा जाता है। सो हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल और साथ साथ थॉम्सन मॉडल भी कहते हैं। थॉम्सन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। सो ये माना जाता था पहले, ये जो आप देख रहे हैं ये है निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज है और इस मॉडल के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे स्पेस को अक्वायर कर रखा है। सो पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरा का पूरा स्पेस अक्वायर कर रखा है। सो ये था थॉम्सन मॉडल जो कि उस दौरान लोग माना करते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, एटम का मॉडल ऐसा नहीं है, कुछ और है। तो कुछ और क्या है इसे समझने से पहले चलिए देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम के हिसाब से कैसे हमने ये समझ लिया कि ऐसा मॉडल, थॉम्सन मॉडल एटम का नहीं हो सकता है। तो ये है उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप। यहां पर आप जो ये देख रहे हैं ये एक कलेक्टर है और कुछ नहीं है, और यहां पर ये है सोर्स, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अंदर। आगे यहां पर जो फेस हमें नहीं दिख रहा उस फेस में एक छेद है, उस छेद से अल्फा पार्टिकल बाहर की तरफ निकलेगा। और यहां पर देखिए एक छोटा सा स्लिट है, खाली जगह है जहां से कि अल्फा पार्टिकल इस तरह से बाहर निकल जाएगा और पीछे जाके यहां पर इस शीट से टकराएगा। ये एक गोल्ड लीफ है, बहुत पतला गोल्ड लीफ है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये है गोल्ड शीट, बहुत ही पतला गोल्ड शीट। ये कितना पतला है इसका अगर थिकनेस आप देखें तो ये थिकनेस है बहुत कम, 2.1 × 10⁻⁷ इतना मीटर, 10⁻³ मीटर जो है ये एक मिलीमीटर होता है। तो आप अगर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो आप पाएंगे ये होगा 2.1 × 10⁻⁴ मिलीमीटर। तो समझने के लिए आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये है 21 × 10⁻⁵, सो 21 / 1, 2, 3, 4, 5, 21/100,000 इतना मिलीमीटर। तो ये बहुत पतला शीट है। अब होता ये है कि इंसिडेंट करता है अल्फा पार्टिकल्स यहां पर इस शीट में और ये स्कैटर कर जाता है। उस स्कैटरिंग के रिजल्ट से ही हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं रेडिएशन कैसे जाएगा। यहां से रेडिएशन इस तरह से फॉल करता है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, उसका बीम है, अल्फा पार्टिकल बीम है। ये इंसिडेंट करता है और इंसिडेंट करने के बाद ये स्कैटर कर जाता है इस तरह से। और जो रिजल्ट में पाया गया इस एक्सपेरिमेंट में वो रिजल्ट ये है कि सबसे पहले ये पाया गया कि जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स है, सबसे पहले तो समझ ले 0.14% कितना हो सकता है, 10,000 में से सिर्फ 14 पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट करता है। मतलब 10,000 में से 9,986 अल्फा पार्टिकल जो है वो लगभग बिना डेविएट किए ही आगे बढ़ जाता है। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है इस तरह से इस बीम से आगे बढ़ते हुए
बिना डेविएटेड हुए ही इंसिडेंट कर जाएगा पीछे स्क्रीन में या कलेक्टर में। बहुत बहुत कम, इतना बहुत कम वो डेविएट करता है एक डिग्री से ज्यादा। और भी ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 0.0125% पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल्स, हम इसका इस परसेंटेज का मतलब भी समझ ले, 8000 में से सिर्फ एक, सो इतना कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट किया। इस फिगर में देखें, एक वैसा दिखाया गया है पार्टिकल जो कि ये वाला है। तो मतलब क्या निकला इससे? मतलब यही निकला कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अनडेविएटेड आगे बढ़ गए। अगर ये प्लम पुडिंग मॉडल सही होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक एटम के सारा स्पेस को अक्वायर कर रखता, तो फिर सारे के सारे जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां इंसिडेंट कर रहा है, सारे के सारे रिबाउंड हो जाते। ऐसा नहीं हुआ, ज्यादातर पास कर गया। तो ज्यादातर जब पास कर गया इस गोल्ड शीट को, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा खाली जगह है एटम में। तो कंक्लूजन ये निकला कि एटम ज्यादातर खाली है और पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का जो रीजन है जिसे कि हम बाद में न्यूक्लियस कहने लगे, ये बहुत छोटा होगा। ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, इसीलिए तो ज्यादातर यहां से पास कर जा रहा है। वरना न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, वो अगर बड़ा होता, एटम जैसा उसका साइज होता जो कि प्लम पुडिंग मॉडल कह रहा है, तो फिर अल्फा पार्टिकल पास कैसे करता? उसे जगह कहां से मिलता पास करने का? उसे तो रिपल कर देता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल है हीलियम का ही आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये तो रिपेल्ड हो जाता न्यूक्लियस से। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर एटम जो है वो खाली होता है, और हमें आज पता भी है। सो ज्यादातर मास जो है वो कंसेंट्रेटेड है एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज रीजन में, जिसे कि हम अभी कहते हैं न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था कि जो न्यूक्लियस है वो तो बीच में है ही, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं हो सकता है, स्टैटिक नहीं हो सकता। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये अगर ये रिवॉल्व नहीं कर रहा हो, तो होगा ये कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये तो इसे अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ सट जाएगा, और सट गया तो फिर ये प्लम पुडिंग मॉडल आ गया, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि खाली जगह चाहिए होगा इन अल्फा पार्टिकल्स को, इस गोल्ड शीट को पार करने के लिए। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चारों तरफ घूम रहे हैं इस न्यूक्लियस के। तो ये था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का आउटकम। आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये जो मॉडल है, जिस मॉडल पे अभी हम बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल जिसे कहा जाता है, इसमें भी कुछ फ्लॉज है। ये सही तो है, गलत नहीं कहा जाता इसे, ये सही है, लेकिन ये कुछ हद तक सही है। इससे भी बेहतर मॉडल है बोर्स मॉडल, जो कि इसके ड्रॉबैक्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने यह कंक्लूड किया था कि एटम ज्यादातर खाली होता है, एम्प्टी होता है, और बीच में इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिसाइड करता है बिल्कुल सेंटर में, इसका जो मैसिव पार्ट है और इसका सारा पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ करेंगे इस एटमिक मॉडल के ड्रॉबैक पे। देखिए, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, ये अगर रिवॉल्व करेगा, अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से भी रिवॉल्व करे, तो भी इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज करेगा। मान ले इसका कॉन्स्टेंट स्पीड एक्स है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये इस डायरेक्शन में एक्स के स्पीड से प्रोपगेट कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब ये कुछ दूसरे ही जगह पे पहुंच जाएगा, ये यहां से मान ले कुछ आगे बढ़ जाता है यहां पर अगर आप इसका स्पीड देखें, तो मान ले कॉन्स्टेंट स्पीड है, तो एक्स ही इसका स्पीड है, पर डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो इसका वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है।
हमें पता है वेलोसिटी जब कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। और हमें यह भी पता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर ये एक्सीलरेशन में रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी रहता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है। इसका मतलब अगर कॉन्स्टेंटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करे, ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हमेशा घूम रहा है, और हमेशा घूमने का मतलब है हमेशा ये एक्सेलरेटेड है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। इसका मतलब हमेशा ये एनर्जी जो है ये लूज करेगा। तो एनर्जी जब ये लूज करेगा तो इसका जो ऑर्बिट है ये छोटा होते जाएगा, और ये ऑर्बिट छोटा होते हुए एक समय ऐसा आएगा जब इसका एनर्जी बहुत घट जाएगा और ये जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो जब ये न्यूक्लियस में समा जाएगा तो इसका जो साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, वो तो न्यूक्लियस के साइज का हो जाएगा। तो फिर जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें आउटकम मिला वो तो फिर गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज नहीं कर सकता है इस तरह से कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करने के कारण, तो ये जो मॉडल है इस मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक है, और इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करते हुए नया एटॉमिक मॉडल लाया गया, और इसे लाया बोर ने, जिसे कि बोर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। इस एटॉमिक मॉडल पे हम आगे की वीडियो किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी आर्बिट्री ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। यहां पर मान ले कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, बीच में जो दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट नहीं चूज कर सकता। जैसे कि मान ले यहां पर बहुत सारे ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं और भी बहुत सारे नहीं दिख रहे हैं, तो यहां इस रेंज में यहां से लेके यहां तक ऑर्बिट, पॉसिबल ऑर्बिट जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट चूज करेगा वो कोई भी ऑर्बिट नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी रिवॉल्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी रिवॉल्व कर सकता है, कहीं भी ये रिवॉल्व कर ले, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ स्पेसिफिक अलाउड ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। तो उनका जो पहला पोस्टुलेट था वो था ये, इलेक्ट्रॉन्स कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है। फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ये वैसे ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इस ऑर्बिट में मान ले ये अलाउड ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करेगा, और ये हमेशा इस ऑर्बिट में घूम सकता है। तो फिक्स्ड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट कुछ ऐसे हैं जहां पर कि कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, सो नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, थोड़ा भी ये रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी को। ये बड़ा जनरलाइज्ड पोस्टुलेट है। उनका दूसरा जो पोस्टुलेट है ये थोड़ा स्पेसिफिक है। पहला क्या बताता है कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, बस इतना ही। दूसरा बताता है उन ऑर्बिट्स का फीचर कैसा होगा, उनका प्रॉपर्टीज क्या है। तो दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने ये लिया कि जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उसका मैग्नीट्यूड, हम एल से एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा एच, जो कि है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, डिवाइडेड बाय 2 पाई इस टर्म के इंटीग्रल मल्टीपल के। सो यहां पर मैं एन लिख रहा हूं, एन का जो वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, और यहां पर मैं लिख दूं कि ये जो है ये एच जो है ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और इसका जो वैल्यू है ये है 6.626 इंटू 34 जूल सेकेंड।
और ये n जो है ये n ये है integers, तो यहाँ पर इसका value 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये angular momentum किसी भी electron का, ये जैसे कि हमें पता है angular momentum होता है जो भी पार्टिकल, जिसका एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, जो भी पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, उस पार्टिकल का मास, तो मास हमने मान लिया m, ये m इस इलेक्ट्रॉन का मास है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, मास इनटू वो जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है इनटू जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है, तो एम वी आर ये है एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का। मान ले वो इलेक्ट्रॉन ये है, ये वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर v स्पीड से मूव कर रहा हो, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर v है उसका मैग्नीट्यूड, और ये अगर r रेडियस के पाथ में घूम रहा हो, रेडियस r है और इसका मास अगर m है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर, जिसे कि बराबर होना है किसके, इसे बराबर होना है एन एच ओवर 2 पाई के। तो हमने ये देखा कि एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो फिक्स्ड होता है। तो यहां पर मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू होगा 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू होगा 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू होगा 3, और इस तरह से n का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा h ओवर 2 पाई के, क्योंकि यहां n का वैल्यू 1 होगा। दूसरे ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई के, 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि यहां पर n का वैल्यू जो है वो 2 होगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में ये 3h ओवर 2 पाई होगा, और उस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब जैसे ही एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड हो गया इन इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम आगे चल के देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी भी उसका वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर कंसीडर कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका जो एनर्जी होता है, चलिए उसे E1 से डिनोट करते हैं, वो एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से सेकंड ऑर्बिट में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी ये बराबर होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो इसे मैं इस वीडियो में डिराइव नहीं करूंगा इन वैल्यूज को, इस पे हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जान लें कि ये जो एनर्जी होता है ये फिक्स्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स की। इसी से आगे अब हम बोर के थर्ड पोस्टुलेट पे बात कर सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है, जैसे कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रहे फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसका एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में रहता है तो उसका एनर्जी होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जितना हायर ऑर्बिट में रहेगा इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा। देखिए -13.6 से ज्यादा होगा -3.4 और उससे भी ज्यादा होगा -1.5। जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी ज्यादा है। तो यहीं पर अगर देखें आप, मान ले कोई इलेक्ट्रॉन वो इस स्टेट में था, लोअर ऑर्बिट में था, वहां से ग्राउंड स्टेट से वो हायर ऑर्बिट में गया, कैसे जा सकता है, इसका तो एनर्जी बढ़ना होगा, यहां इसका एनर्जी कम है, हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कैसे, कौन देगा एनर्जी, तो इसे बाहर से एनर्जी देना होगा। तो बाहर से कोई इसे एनर्जी देगा, और कौन देगा वो एनर्जी, कोई फोटोन देगा वो एनर्जी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है। उसी तरह से मान ले कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, वहां से ये लोअर ऑर्बिट में चला गया तो उसका एनर्जी तो घट गया, तो इस दौरान इसका जो एनर्जी घटा, जितना भी एनर्जी घटा वो ये रिलीज कर देगा फोटॉन के फॉर्म पे। सो हम कह सकते हैं इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है बोर का वो ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड
कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब या रिलीज करेगा, जो अब्सॉर्ब कब करेगा, जब इसे हायर ऑर्बिट में जाना होगा, लोअर से हायर जाना होगा, और रिलीज कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होगा एनर्जी डिफरेंस के। सो ये जो दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये था बोर का तीन पोस्टुलेट्स और ये था बोर का एटॉमिक मॉडल, जिसका कि सिग्निफिकेंस बहुत बहुत ज्यादा है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के वन ऑफ द फाउंडिंग